जब हम मिलना बंद कर देंगे तब हम कविताओं में मिलेंगे। आओ चांद पे एक चाय हो जाए। ढाई अक्षर की गुफ्तगू ही काफी लगती थी, काफी लगती थी ढाई बालिश्त की दूरी भी। दो लोगों ने मिलकर सजोए थे ढाई सपने, एक कोना एक बिछोना और नीम अंधेरे अपने। वो बिस्तर कब बिसात बन गया, शतरंज का खेल जीत और मात बन गया। घर तो था एक ही, कोई कैसे ढाई घर चल गया। एक सपना हो, ख्वाबों में चले आते हो, खुली आंखों से आसान लगता है तुम्हें बंद आंखों में चले आना। अजब घुसपैठ करते हो मेरी खुली आंखों की दहलीज पे, तेरे कदमों का बुलावा रखा है। हकीकत के मकान को कभी एक सपनों का घर दे दो। जरा संभल के चलना, मैंने कुछ ख्वाब तुम्हारे कदमों तले बिछा रखे हैं। जरा संभल के सोना, कुछ अरमान मेरे तकिए में छिपा रखे हैं। मेरे बुलावे की घंटियां बजती रहीं तेरे फोन पे, तूने काटा नहीं कि मुझे बुरा लगेगा, और उठाना तुझे पसंद ना था। उसे प्यार किया ऐसे कि जैसे मर जाना है अगले ही पल, इंतजार किया ऐसे जैसे कि मैं अमर हूं। बदलूं जो करवटें तो चुभती हैं सलवटें, नींद चादर में समाती नहीं। शाम हो चली है फिर से, रात अपना बिस्तर लगाती नहीं। मैंने जो कहना था कहा, तुमने जो सुनना था वही सुना। कुछ अल्फाज हमारे बीच का फासला तय न कर सके, गिर पड़े हम दोनों के दरमियान। अभी अभी रेस्तरां का बैरा गीले कपड़े से साफ करके ले गया उन्हें तुम्हारे जाने के बाद। बहुत कविताएं लिखी तुझ पे, दो मिसरे तो कभी कह दे मुझ पे। ख्वाबों के कैनवास पे अक्सर पेंट किया है तुझे, कभी आके ढाई लकीरें तो खींच दे मेरे सादे कागज पे।